तो फ्रेंड्स, तो आप लोगों का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि YouTube में टैग है क्या, YouTube में टैग कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि YouTube टैग की वजह से क्या होता है ना, हमारी YouTube वीडियो सर्चिंग लिस्ट में आना स्टार्ट होती है और हमारे वीडियो वायरल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको पता है कि YouTube टैग है क्या, इसको कैसे यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर आप वीडियो स्किप कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता रहो और अगर आप एक छोटे यूट्यूबर हो तो भाई इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि जब आप न्यू चैनल क्रिएट करते हो, अब आपका चैनल छोटा होता है तो आपके मन में ये ख्याल होता है कि यार मेरी भी कोई वीडियो वायरल हो। तो वीडियो यहाँ पे वायरल होता कैसे है, यहाँ पे वायरल है ना टैग की वजह से ही, यानी कि 90% तक होता है। क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से टैग वगैरह यूज़ करते हो तो आपकी वीडियो क्या होती है, वो बूस्ट बढ़ जाती है, तो वो वीडियो सर्चिंग लिस्ट में आना स्टार्ट हो जाती है। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि यानी कि टैग को कैसे यूज़ किया जाता है, यूट्यूब टैग है क्या और हम ट्रेंडिंग टैग कैसे फाइंड कर सकते हैं जो हमारी वीडियो सर्चिंग लिस्ट में आना स्टार्ट हो जाए और हमारी वीडियो पर अच्छा खासा व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाए और हमारी वीडियो वायरल हो। तो अगर आप एक छोटे यूट्यूबर तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और ऑल को भी सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको आगे भी यूट्यूब टिप्स से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और ऑल को भी सिलेक्ट कर लेना। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि यूट्यूब टैग है क्या। तो गाइस, यूट्यूब टैग है ना, इससे होता क्या है, सबसे पहले आप ये समझ लो यूट्यूब टैग की वजह से क्या होता है, हमारी वीडियो सर्चिंग लिस्ट में आना स्टार्ट हो जाती है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि YouTube टैग कैसे यानी यूज किया जाता है, कैसे ट्रेंडिंग यानी कि टैग को फाइंड यानी कि ट्रेंडिंग टैग को फाइंड कर सकते हो। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो क्या करना होगा, आपको जाना होगा अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च करना होगा YouTube टैग प्रो। तो सर्च करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो इसका लोगो कुछ इस तरफ इस प्रकार से रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना, सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली बैक चले आना है और यहाँ पे ये समझ लो यानी जब आने की इसको क्या करना है, इसमें इस एप्लीकेशन से आपको करना क्या है। तो क्या कर रहा हूँ, जैसे कि आप कोई यानी किसी भी टॉपिक से वीडियो बना रहे हो, यानी कि जैसे किसी भी टॉपिक से यानी कि हाउ टू अर्निंग मनी ऑन टिकटॉक, तो क्या इस तरह बना रहे हो, तो क्या करना होगा यहाँ पे, आपको क्या करना होगा, जैसे कि उसी टॉपिक से क्या करना होगा, आपको यूट्यूब में जाना होगा और जो टॉपिक आपकी वीडियो का, जिस टॉपिक से आपने वीडियो बनाया उस टॉपिक से क्या करना होगा, आपको यहाँ पे सर्च कर लेना होगा वीडियो। इसके बाद जो यहाँ पे आपके सामने वीडियो खुलेंगे उसके बाद क्या करना होगा, उसमें तीन चार वीडियो को क्या करना होगा, यानी कि एक वीडियो सबसे पहले जिस पे अच्छा खासा व्यूज होगा उसको क्या करना है, उसका लिंक को कॉपी कर लेना है, उसे उस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो भी परमिशन मांगेगा उसको क्या कर देना है, उसको यहाँ पे क्या कर देना है, ओके यहाँ पे गेट टैग लिखा हुआ है ना, सिंपली उसको क्लिक करके और पेस्ट कर देना है। उसके बाद यानी जो टॉपिक आपके, जिस टॉपिक से आपने वीडियो बनाया है ना, उसी टॉपिक से यहाँ पे टैग वगैरह यानी यहाँ पे उसने जो जो टैग उसने यूज़ किया वो टैग यहाँ पे खुल जाएगा यानी आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके टैग को दो चार टैग को क्लिक करके उसके बाद कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपको करना क्या है, अपने जाना वाईटी स्टूडियो में। उसके बाद यहाँ पे यानी कि अपने जो वीडियो एडिट में जाना है, उसके बाद नीचे जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना यहाँ पे टैग, सिंपली यहाँ पे क्या करना, आपको कॉपी करके पेस्ट कर देना है। जिसके वजह से क्या होगा गाइस, आपकी वीडियो को यानी जब किसी का टैग को यूज़ करके यहाँ पे डालोगे ना, आपकी वीडियो को बूस्ट बढ़ जाएगा और फिर क्या होगा, आपकी वीडियो सर्चिंग लिस्ट में आना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे बात करते हैं कि ट्रेंडिंग टैग को आप कैसे फाइंड कर सकते हो। तो गाइस, जिस तरह मैंने बताया इसी तरह फाइंड कर सकते हो। और दूसरा तरीका फाइंड करने का यह है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे फिर से उस एप्लीकेशन ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे हॉट कीवर्ड, यहाँ पे कीवर्ड लिखा हो रहा है ना, सिंपली इसको ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपकी वीडियो को जो यानी कि आपने जिस टॉपिक से आपने वीडियो बनाया है वो यहाँ पे आपको सर्च करना है। जैसे आपने बनाया है हाउ टू मनी अर्निंग फ्रॉम टिकटॉक, तो इस तरह बनाया है तो वही आपको सर्च कर देना है। तो जैसे सर्च करोगे तो यानी गाइस जो टैग है ना ट्रेंड यानी कि जो टैग्स यानी ट्रेंड कर रहा है यानी कि वो उसका बूस्ट बढ़ चुका है, तो वो ट्रेंड यहाँ पे आपका यानी कि जो सॉरी ये टैग वो टैग यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो क्या करना है, यानी उसमें से टैग वगैरह उठा के आपको जो वीडियो बनाए उसमें आपको डाल देना है और अपने मन से कुछ दो चार टैग लगा देना है। इससे क्या होगा, आपकी वीडियो सर्चिंग लिस्ट में आना स्टार्ट हो जाएगी, प्लस आपकी वीडियो पे व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्या इस तरह क्या कर सकते हो, यानी कि अपने टैग को यूज़ कर सकते हो और यानी ट्रेंडिंग टैग को फाइंड कर सकते हो। तो गाइस, आई होप कि आप लोगों को ये मेरी जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर जानकारी ज़रा से भी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और भाई के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और फिर अगर इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ, अगर आपको फ्रेंड अगर ये यूट्यूबर है तो। और
आप लोगों को किसी यानी कि इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसका यानी कि उसका रिप्लाई दूंगा। तो कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट कर सकते हो। तो फिर और भाई से अगर बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, लिंक दिया वो डिस्क्रिप्शन में, वहीं पे बात करते हो, कोई भी सवाल हो तो मुझे वहाँ पे डायरेक्टली पूछ सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।